है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। आज मैं कुछ आपको यूनिग्राफिक्स एनएक्स में कुछ शॉर्टकट्स कमांड बताऊंगा, जो कि आपको मॉडलिंग में या फिर टूलिंग टूल डिज़ाइन में आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कमांड है, वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी से क्या होता है, जो चीज़ हाइड होती है वो शो हो जाती है और जो चीज़ शो होती है वो हाइड हो जाती है। ओके, तो ये इन्वर्स करता है एक तरह से। अब उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, जिसको बोलते हैं इमेजेड हाइट। ओके, तो इमेजेड हाइट से आप किसी भी इंडिविजुअल पार्ट्स को मॉडल में से हाइड कर सकते हो। ओके, या तो आप स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हाइड कर सकते हो, या डेटम को भी हाइड कर सकते हो, मॉडल को भी हाइड कर सकते हो। ओके, तो ये मैं हाइड कर देता हूँ। उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, ये हाइड करने के लिए है, सिंपली हाइड करने के लिए। ओके, जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। ओके, तो मैं इसको फिर से शो कर देता हूँ। उसके पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, जिसको बोलते हैं न्यू लेआउट। ओके, दोस्तों न्यू लेआउट में आप एक ही स्क्रीन को बहुत सारी स्क्रीन में स्प्लिट कर सकते हो और उसी मॉडल को कई व्यू से देख सकते हो। ओके, से टॉप फ्रंट राइट बैक। ओके, उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, विजुअलाइजेशन प्रेफरेंस के लिए। तो इसके विजुअल को आप चेंज कर सकते हो, स्क्रीन के विजुअल को चेंज कर सकते हो इससे। तो आप प्रेस करो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो इसमें आप विजुअल चेंज कर सकते हो। ओके, तो विजुअल में कुछ टॉप फ्रंट राइट बैक आप ये सब की सब यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ शाइनीनेस का एक ऑप्शन है, इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट की जो शाइनीनेस है वो बढ़ जाती है। ओके, आप 100% कर दीजिए तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो शाइन करेगा। ओके, उसके बाद ट्रांसलेंसी को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, जिसमें व्यू स्क्रीन में आप फिट ऑन शो और हाइड पर क्लिक कर सकते हो। इससे क्या होता है, जब भी आप शो या फिर हाइड करोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्क्रीन में फिट हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद सपोज मैं किसी दूसरी एप्लीकेशन में चला जाता हूँ, सपोज मैं ड्राफ्टिंग में चला जाता हूँ। अब ड्राफ्टिंग से मुझे वापस अगर आना है और मुझे पता नहीं कैसे करूँ, तो मैं उसके लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल एम सिंपली। तो कंट्रोल एम जब आप प्रेस करते हो तो आप डायरेक्ट मॉडलिंग के टूल में आ जाते हो। ओके, उसके बाद फिर वापस अगर आपको ड्राफ्टिंग में जाना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, तो आप आसानी से ड्राफ्टिंग में आ जाओगे। अब यहाँ पर यूज टेम्पलेट, स्टैंडर्ड साइज, कस्टम साइज, आप ड्राफ्टिंग का जो भी स्केल लेना चाहते हो, लेंथ लेना चाहते हो, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। अब दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम ये कमांड जो है ये शीट मेटल के लिए यूज़ की जाती है, कि जो शीट मेटल के जो टूल्स हैं वो आसानी से आपके सामने खुल जाएंगे और आप उनका यूज़ कर सकते हो। ओके, उसके बाद है, अब मैं फिर से मॉडलिंग में चला जाता हूँ, सिंपली कंट्रोल एम। ओके, अब उसके बाद कंट्रोल वन प्रेस करते हैं। कंट्रोल वन क्या है दोस्तों, कस्टमाइज। कस्टमाइज में आप अपने जो लेआउट है या फिर आपके जो कमांड्स है आप उसको रीअरेंज कर सकते हो, आप अपने अनुसार जैसा आपको मुमकिन लगता है, जो आप चाहते हो कि जो उस कमांड का आपको ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, तो आप अपना खुद का एक रोल बना सकते हो। ओके, और यहाँ पर कीबोर्ड पे आप क्लिक करके अपनी खुद की कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज़ बना सकते हो।
ओके तो यहाँ पर पूरे टूल्स सभी जितनी भी कमांड्स हैं वो सब वन बाय वन दी गई हैं। तो आप इसका कुछ शॉर्टकट्स बना सकते हो। प्रेस न्यू शॉर्टकट की पे आप सिंपली राइट करोगे शॉर्टकट की, अगर वो पहले से होगी तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर तो मैं इसके लिए स्प्लिट बॉडी के लिए टी टाइप करता हूँ और असाइन करता हूँ। ओके ओके ट्रिम बॉडी के लिए टी करता हूँ और असाइन करता हूँ। तो टी पहले से ही ट्रिम के लिए एक शॉर्टकट की है, ओके जो सिंपली स्केच में जो ट्रिम होता है। तो स्प्लिट बॉडी के लिए मैं एफ असाइन करता हूँ, एफ भी किसी फिलेट के लिए पहले से ही असाइन है। ओके अब मैं स्प्लिट बॉडी के लिए फोर टाइप करके असाइन करता हूँ। ओके तो ये जो हरा निशान आ गया तो इससे क्या होता है कि स्प्लिट बॉडी का एक शॉर्टकट बन गया कि फोर जब भी आप टाइप करोगे तो स्प्लिट बॉडी का टूल खुल जाएगा। ओके अब यहाँ से आइकॉन्स और टूल टिप्स में आप आइकॉन्स को लार्ज कर सकते हो 200% और नॉर्मल कर सकते हो 150% कर सकते हो। ओके और भी इसमें ऑप्शन है, तो आप इसमें यहाँ पर कस्टमाइज में सेटिंग को चेंज कर सकते हो अपने जैसा आपको सूटेबल लगता है। ओके अब उसके बाद है कंट्रोल एल। अब दोस्तों कंट्रोल एल का इस्तेमाल किया जाता है लेयर सेटिंग में डायरेक्ट पहुंचने के लिए, तो आप डायरेक्ट लेयर सेटिंग को कंट्रोल एल से खोल सकते हो। ओके जो कि लेयर सेटिंग आपको व्यू में मिलती है, आप यहां से आप लेयर सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच इस्तेमाल होता है सेक्शन व्यू के लिए। अब आपको अपने मॉडल का सेक्शन देखना है कि किस तरह से उसका सेक्शन व्यू बनेगा। ओके तो उसको आप यहाँ से खोल सकते हो, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, इसके लिए ओपन लेआउट है। जैसा पहले हमने एक न्यू लेआउट खोला था उसी की तरह ये एक स्मॉल है, तो इसमें केवल L1 और L2 L3 L4 और L6 दिए गए हैं। तो इसमें भी आप वही चीज़ करोगे, लेकिन ये एक शॉर्टकट है जो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से ये आप उसके कलर या फिर फेस के कलर आप चेंज कर सकते हो ऑब्जेक्ट के। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन। ओके उसके बाद इसमें ट्रांसलेंसी भी आप चेंज कर सकते हो, इसको आप चाहे तो ट्रांसपेरेंट बना सकते हो। अब मैं फेस का कलर चेंज करता हूँ, तो फेस का कलर मैं करता हूँ ऑरेंज। ओके अब उसके बाद एक और कमांड है जो शॉर्टकट है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से सिंपली आप किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकते हो। ओके तो ये था दोस्तों शॉर्टकट कमांड के बारे में, जो कि आपको एनएक्स यूनिग्राफिक्स में बहुत यूज़फुल रहेगी। ओके दोस्तों थैंक यू सो मच।